पर मैं नंबर 9.9 देखो ध्यान से, यदि ए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान हो, आपको दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे हो, समान, तो वह क्या होता है कि आयत होता है, तो वो क्या होता है कि आयत सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले तो बनाना है चित्र, आपको दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे हो, बराबर समान, बराबर होने चाहिए। ये कोई भी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या नियम होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, ठीक है। ये इसमें कहा है अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या हो, बराबर, वो क्या होता है कि आय, ये ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। विकर्ण कौन कौन से, एक तो एसी और एक कौन सा बीडीजी, ये दोनों गए बराबर और ये यहाँ काट है ओ बिंदु पर, ठीक है। तो मैंने बेसिक बताया था, तब बताया था आपको अगर हमें समांतर चतुर्भुज से क्या बनाना है, आयत, तो बताओ सबसे क्या करना पड़ेगा, एक कोण कितना डिग्री करना पड़ेगा, तो समांतर चतुर्भुज से दो बनते थे, एक तो बनते थे सम चतुर्भुज और एक बनता था आयत। सम चतुर्भुज बनाना है तो लगातार दो आसन भुजाएं क्या करनी पड़ेगी, और अगर आयत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक कोण करना पड़ेगा 90 डिग्री। तो इस ये जो आकृति दे रही है इसमें से या तो ये ए कोण या ये बी कोण, एक कोण को कितना डिग्री बना दो, 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। अब देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज है और क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान है, समान मतलब बराबर, एसी और डीडी दोनों क्या है, बराबर, विकर्ण जो है विकर्ण दोनों ही विकर्ण है समान, एसी बराबर क्या है डीडी, दोनों विकर्ण बराबर है, हमें करना है सिद्ध, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी क्या होता है, कि ए बी सी डी ए क्या है, आयत, आयत बनाना है, मतलब समांतर चतुर्भुज का एक कोण कितने डिग्री करना पड़ेगा हमें, चाहे तो ये वाला कोण करो चाहे ये वाला, अब देखो ये और ये कोण आएगा तो मतलब हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, चाहे ऊपर वाला करना चाहो तो ऊपर वाला कर दो, ऊपर वाले के लिए एक तो ये और एक ये, क्योंकि हम दो त्रिभुज लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, सर्वान सम और उनके कोण बराबर हो जाएंगे और बड़ा कोण बराबर होते ही बात आ जाएगी। तो देखो पत्ती में सबसे पहले देखो क्या करना है, एक तो लेना है ये वाला ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी व त्रिभुज, एक तो ये वाला एक ये, अरे यहाँ से जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से बी ए डी, बी ए डी से दोनों में तीन चीजें बराबर करनी है ताकि दोनों त्रिभुज कैसे हो जाए, समान समान। देखो सबसे पहले इस त्रिभुज की तो एसी भुजा और इस त्रिभुज की बीडी भुजा बराबर है, सवाल में दिया हुआ एसी बराबर है बीडी, चाहो लिख दो, ये जो बड़ा वाला चतुर्भुज इसके विकर्ण है और दोनों बराबर है सवाल में दिया हुआ है, ये क्या लिखोगे सवाल में दिया हुआ है, दोनों इसलिए बराबर है। नंबर दो पे क्या है, नंबर दो पे और बताओ कौन सी चीज बराबर है, ये ए बी उभयनिष्ठ है, देखो इसी ए बी पर बन रहा है ये त्रिभुज और इसी ए बी पर बन रहा है, देखो दोनों त्रिभुज एक ही आधार में तो दोनों एक यहाँ बने रहे, ए बी नाम इसमें भी आ रहा है, ए बी नाम इसमें भी आ रहा है, ए बी बराबर क्या है,
क्यों है? उपनिष्ठ। ये हो जाएगा उपनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है। दो चीजें हो गई। तीसरी बताओ, इस त्रिभुज की तो ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, बताओ क्यों बराबर है? समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा है? सम्मुख भुजा है। एबीसीडी समांतर चतुर्भुज सवाल में दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसे होती है? इस त्रिभुज की तो बीसी भुजा इसकी, और इस त्रिभुज की एडी भुजा। बीसी नाम इसमें भी आ रहा है, एडी नाम इसमें भी आ रहा है। इस त्रिभुज की तो बीसी भुजा और इस त्रिभुज की एडी भुजा क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं? सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा हमेशा कैसी होती है? बराबर। ओके, तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वसम। नियम कौन सा लग गया? ट्रिपल एस। तीनों भुजाएं हैं एस 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 एस। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वसम है त्रिभुज बी ए डी। ये बोलो सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो इसके सभी बाग संगत बाग क्या होंगे? बराबर। हमें क्या लाना है? कोण लाना है। कोणों को बराबर करो। इस त्रिभुज का तो ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, दोनों बराबर हो जाएंगे। ए बी सी का तो ये बी कोण और बी ए डी का ये ए कोण बराबर है। क्यों बराबर है? बाय सीधी हो जाएगा। इस त्रिभुज का तो कोण बी, इस त्रिभुज का तो कोण बी। अगर पूरा नाम लिखना चाहो, पूरा नाम लिख दो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, कोण बी, या पूरा लिख दो। पूरा कैसे लिखोगे? देखो, या तो एबीसी लिख दो, कोण ये वाला कोण है ए बी सी हो जाएगा, या ऐसे लिख दो सी बी ए, कोण सी बी ए बराबर है। अब ये वाला कोण डी ए बी, डी ए बी के कौन डी ए बी के। देखो यहां से मैंने क्या किया, सी ले लिया आगे और ए दे दिया पाछे, डी ले लिया आगे और इधर पीछे, ठीक है। अब हो गया बराबर है। क्यों बराबर है? बाय सी पी सी डी, बाय सी पी सी डी। हो गया, बताओ बराबर हो गया? सिंपलिसिटी। सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत बाग कैसे होते हैं? बराबर। अब देखो, अब इस चतुर्भुज के हिसाब से देखो, इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। क्यों? अंतर कोण। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। समांतर त्रिभुज है, समांतर रेखाओं के अंदर दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है 180। तो कौन सा क्या कोण है? अंतर कोण। तो देखो ये इस कोण का नाम सी बी ए, ये दोनों कोण है, कोण सी बी ए प्लस कोण डी ए बी बराबर कितना होता है? 180। कारण हो जाएगा अंतर कोण। अंतर कोण हो गया। अब देखो यहाँ सी ए बी और डी ए बी दोनों बराबर है, सी ए बी और डी ए बी बराबर है, यहाँ दोनों की जगह एक ही नाम लिखो, दोनों बराबर है। देखो सी ए बी का तो सी ए बी, सी ए बी का तो सी ए बी प्लस डी ए बी की जगह भी क्या लिखो? कौन सी ए बी बराबर कितना हो गया? 180। एक सी ए बी और एक सी ए बी कितने हो गया? दो कोण सी ए बी बराबर 180। सी बी ए, सी बी ए है तो सी बी ए लिखो, सी बी ए। और यहाँ भी क्या आएगा? सी बी ए। तो यहाँ भी क्या आएगा? सी बी ए। अब देखो दो गुणा में तो बार में कौन सी बी ए 180 बटा दो, दो का भाग दो, सी बी ए कितना आ गया? सी बी ए, सी बी ए ये वाला कितना आ गया? ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। ये दोनों बराबर है, एक कोण करना है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये आकृति कैसी है? आयत। पहले क्यों कहता है ए बी सी डी ए क्या होगा? आयत। एक आयत। आगे समझ में
बताया हुआ है पहले बेसिक में मैंने, अगर आपको समांतर चतुर्भुज से क्या बनाना है आयत, एक कोण कितना डिग्री कर दो, 90 डिग्री। अब वाला परवे नंबर 9.10, ठीक है। देखो ये वाला 9.10, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो, लंबवत मतलब 90 डिग्री का, तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज बनाना है, अगर हमें समांतर चतुर्भुज से सम चतुर्भुज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो लगातार आसन भुजाएं कैसे कर दो बराबर, क्या बन जाएगा सम। अगर आयत बनाना है तो एक और 90 डिग्री, अगर समांतर चतुर्भुज से सम चतुर्भुज बनाना है तो आसन लगातार आसन भुजाओं को क्या कर दो बराबर। तो देखो सबसे पहले देखो चित्र बनाना है, ये हो गया आपके चित्र, देखो ये चित्र है आपके, नाम है ए बी सी डी। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण परस्पर क्या है लंबवत, एक विकर्ण तो ये रहा और एक विकर्ण ये रहा, लंबवत का मतलब है यहाँ पर प्रत्येक जन कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण, मतलब ये वाला विकर्ण इस पर लंब है और ये वाला विकर्ण इस पर लंब है, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, और दोनों जहां मिलते हैं वहां नाम दे दिया मैंने ओ। अब आपको सिद्ध करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। सबसे पहले तो सवाल में क्या है, एबीसीडी क्या है, एक समांतर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और साथ ही कहा है इसके विकर्ण परस्पर क्या है लंबवत है, 90 डिग्री कोण बना रहे, ऐसी लंब किस पर है बीडी पर, ऐसी लंब किस पर है बीडी पर, और साथ ही बीडी लंब किस पर है ऐसी पर, दोनों एक दूसरे पर लंबे। हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है, ये क्या होता है, ये सम चतुर्भुज ए बी सी डी ए क्या है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए उपपत्ति में। अब देखो अगर समान चतुर्भुज से सम चतुर्भुज बनाना है तो दो लगातार आसन भुजाओं को क्या करना पड़ेगा बराबर, आसन भुजाएं या ये भुजा होनी चाहिए, एक ये होनी चाहिए, या फिर ये ले लो चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सी भी दो आसन भुजाएं बराबर करनी है। अगर भुजा हम ये और ये लेते हैं, भुजा ये और ये लेते हैं तो त्रिभुज लेना पड़ेगा एक तो ये और एक ये, अगर भुजा ये और ये लेते हो तो त्रिभुज लेना पड़ेगा एक तो ये और एक ये, क्योंकि दो त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा सर्वांग, हम ये दोनों कर देते हैं, एक तो लेंगे त्रिभुज ये ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज एक लेंगे ये, क्या नाम है सी ओ बी, तो मैंने यहां से लिखा तो इसको यहां से लिखना है सी ओ बी से, दोनों में कितनी चीजें बराबर कर दो, तीन चीजें बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे सर्वांग। आप देखो इसमें ए ओ बी में ये ओ बी भुजा ये इस त्रिभुज में भी आ रही है और ये इस त्रिभुज में भी आ रही है, दोनों में आ रही है, दोनों तो कॉमन है, इससे ये देखो क्या हो जाएगी ओ बी बराबर है ओ बी, देखो ओ बी नाम इसमें भी और ओ बी नाम इसमें भी क्यों है, ये उभयनिष्ठ कॉमन है, ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। दूसरी इस त्रिभुज का तो ये कोण नंबर एक और इस त्रिभुज का ये कोण नंबर दो, 90 डिग्री है सवाल में दिया हुआ है, परस्पर लंब है, इस त्रिभुज का तो कोण नंबर एक और इस त्रिभुज का कोण नंबर दो, दोनों क्यों बराबर हैं, और ये लिख सकते हो एसी लंब किस पर है बीडी पर, सवाल में दिया हुआ है किसके विकर्ण परस्पर क्या है लंब, ये लाइन भी लिख सकते हो विकर्ण परस्पर क्या है लंब, ना बड़ी दो हो गए। और बताओ तीसरी, तीसरी इस त्रिभुज की तो ये ए ओ भुजा और इस त्रिभुज की सी ओ भुजा क्यों बराबर है,
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समद्विबाहु। दो बराबर भागों में बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है इसका? बराबर। इस त्रिभुज की तो कौन सी भुजा? एओ। और इस त्रिभुज की कौन सी भुजा? सीओ। देखो एओ और सीओ दोनों आ रहे हैं। इस त्रिभुज की तो एओ भुजा और इस त्रिभुज की सीओ भुजा क्यों बराबर है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? परस्पर होते हैं समद्विभाजित। समद्विभाजित आगे समझे? समद्विभाजित हो गए तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? बताओ नियम कौन सा लग गया? भुजा कौन? भुजा एस ए एस एस ए एस। चाहो तो यहाँ आप आर एच एस भी लगा सकते हो। 90 डिग्री आ रहा है, एक एक कर्ण आ रहा है और उसके सामने अन्य भुज आ रही है, तो आर एच एस भी आप लगा सकते हो। पता है पहले आर एच एस नियम? दोनों में से जब भी 90 डिग्री आ जाए और दो भुज आ जाए तो आप आर एच एस भी लगा सकते। ऐसे एस नियम द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के। अगर सर्वांग सम है तो इसके अन्य भाग क्या होंगे? बराबर। हमें क्या करनी है? बराबर भुजाएं। इस त्रिभुज की तो ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हो जाएगी। एबी बराबर क्या हो जाएगी? सीबी। देखो एबी और सीबी, इस त्रिभुज की तो एबी भुजा और इस त्रिभुज की सीबी भुजा क्यों बराबर हो जाएगी? बाय सीबी सीडी। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर। और जिस समांतर चतुर्भुज की लगातार दो आसन्न भुजाएं बराबर हो वो कैसा चतुर्भुज होता है? सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज होता है? सम चतुर्भुज। अतः ए बी सी डी ए क्या है? एक है सम चतुर्भुज। आगे समझे?